हाँ लाइव हो गया। चलो ना ओके ठीक है। मैंने काफी तो कर दिया ठीक। हिंदी का है ता हिंदी आपने आई लिसन टू यू मैं केरी राले से आई हूँ मेरी बहन है। अच्छा ठीक है मैं वे रेगुलर आती है इसलिए या अपने आप में प्रोसेस तो देखिए उपाय बताया जा रहा है किस तरह से यह जीव कर्म के आने को रोके। संवर मतलब आश्रव निरोधो संवर, आश्रव को आने से रोके, अपना जीव कर्मों का आना रोक दे, उसका उपाय बताया जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण हुआ कर्म का आना रोक गया कितनी बड़ी बात हुई, और उसका उपाय और ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि उपाय के बिना उपाय की प्राप्ति नहीं होती है। गाथा बोल रहे हैं तब पहले वो गो वो गो वो गे वो गो को हाज सुनत कोई वो गो को हो को हे छे वही खलु को अठवी अप्पे कम्मे नो कम्मे चारि नत्ति वो गम्य कम्मम नो कम्मम चारि नो अत्ति एदम दो अविवरीदम नानं जय्यादो दिजीवस तैयान किंचि को अधि भावं उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो कर्म में ये कर्म अरुणो कर्म भी उपयोग है नहीं उपयोग में।
विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। टीका, वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, बात कौन सी चल रही है, क्या सिखाना है यहाँ पर आचार्य के द्वारा। इस संवर का जो उपाय है, पर उपाय क्या है कि भेद विज्ञान, भेद विज्ञान अर्थात भिन्न भिन्न जानना, बिल्कुल सरल बात है। भेद विज्ञान कोई कठिन बात नहीं है। भेद विज्ञान अर्थात भिन्न भिन्न जानना, किसको भिन्न जानना, किसको भिन्न जानना, ये जो एक्चुअल में भिन्न ही है उसको भिन्न जानना। तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी वस्तु हो उसको हमें भिन्न जानना हो, जो हमारी है ही नहीं, जो हमसे पृथक पड़ी हुई है उसको भिन्न जानना है। वो यहाँ कह रहे हैं कि किस तरह हम माने कि हम, हमसे ये शरीर भिन्न है, हमसे कर्म भिन्न है, हमसे ये राग भिन्न है, कैसे मानते हैं, उसका यहाँ पर तर्क दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे जीव, अपना ज्ञान छोड़, अनादि काल का जो बुद्धू बना है उसको छोड़ और चतुराई ला ज्ञान में, कि किसी दूसरी वस्तु को तुम अपनी मान रहे हो और अपनी वस्तु को कैसी है ऐसा जान ही नहीं रहे हो। किस कौन सी वस्तु पर है, तो वो वस्तु पर है अरे शरीर कर्मराग, तीन चीज को यहां बताना है इस गाथाओं में। क्या क्या चीज है वो उपयोग को नहीं बनाया, पर्याय को नहीं बताना है विशाल भिन्न, एक समय की पर्याय में जो ज्ञान की पर्याय है ना उपयोग, उसको अभी भिन्न नहीं बताना है। वो उपयोग तो उस पर्याय को ऐसा बताना है कि उस पर्याय में उपयोग में तो उपयोग है, गायक बैठा है, ऐसा बताना। जैसे कि मिठास में मिश्री बैठी है बस, खटास में इमली बैठी है, रोटी में आटा बैठा है, अंगूठी में सोना बैठा है, कितनी स्पष्ट बात है कि अंगूठी में, अंगूठी के अंगुली में बैठी है, तो अंगूठी किस में बैठी है, सोने में, और सोना किसमें बैठा है, अंगूठी में। यहाँ अपनी पर्याय में द्रव्य और अंगूठी है वो पर्याय, अंगूठी क्या है स्वर्ण की पर्याय, पर्याय में द्रव्य हो पसरा हुआ रहता है ऐसा निश्चित है, पर्याय में द्रव्य रहता है, वो रोटी, रोटी पर्याय है, आटा द्रव्य मानो उसका उदाहरण के लिए, तो वो रोटी पर्याय है, उसके अंदर आटा पसरा हुआ है, आटा फैला हुआ, तो आटा है वो द्रव्य है, रोटी क्या है पर्याय, इसका मतलब हमेशा उसकी पर्याय में उसका द्रव्य ही पसरा हुआ रहता है और कोई दूसरा द्रव्य कदाचित भी नहीं पसरता। इस सिद्धांत से प्रत्येक वस्तु अपने अपने में रहती है और दूसरे पदार्थ में दूसरी वस्तु नहीं रहती है, वही यहाँ पे टीका में पहली लाइन में बता रहे हैं। वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती। दूसरी वस्तु कौन सी होती है, जैसा कि एक जीव वस्तु है और एक पुद्गल वस्तु है। अब जीव वस्तु पुद्गल वस्तु के नहीं बनता, पुद्गल वस्तु जीव वस्तु के नहीं बनता, ये देख रहे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है,
और फिर आगे लिखते हैं कि किसी तरह से भी नहीं है, हमने सर्वथा नहीं है, सर्वथा नहीं है, अगर किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, नास्ति अपि सर्वो भी संबंध, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ हर प्रकार से संबंध नहीं है, किसी प्रकार नास्ति अपि सर्वो भी संबंध, जितने तरह के संबंध होते हैं वो उसमें कोई प्रकार का संबंध नहीं होता, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म में करने वाला और वो उसका कार्य दूसरे द्रव्य का कार्य होने वाला, तो मैं करने वाला कर्ता और वो मेरा कर्म पर द्रव्य, ऐसा कभी तीन लोक तीन काल में नहीं बनता है। अनादि अनंत की बात कर रहे हैं, कितने मतलब कि चैलेंज है विश्व को, शाश्वत बात कि तीन लोक में और तीनों कालों में अनादि से लेकर अनंत कालों में कभी भी एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ में संबंध स्थापित नहीं कर सकती, वह वस्तु परद्रव्य परद्रव्य रहेगा और वो स्व वस्तु स्व वस्तु रहेगी, इस द्रव्य का अंश दूसरे द्रव्य में नहीं जाएगा, दूसरे द्रव्य का अंश इस स्वयं के द्रव्य में नहीं आएगा, यह निश्चय जानो यथार्थ मानो। ऐसा कहा कि कोई संबंध नहीं रखती, जैसे शरीर और आत्मा का आपस में कौन संबंध है कि किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। कश्मीर में और एक कन्याकुमारी में दो पर्वत, एक विंध्याचल और एक सह्याचल, विंध्याचल का सह्याचल से क्या संबंध है, उसका कोई अंश जा रहा है क्या उस विंध्याचल में, और विंध्याचल का सह्याचल में क्या संबंध है, कश्मीर का कन्याकुमारी में रहने वाले पर्वत से क्या संबंध है, उस पर्वत के से कश्मीर में रहने वाले का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं, वो उसका स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र दोनों पर्वत स्वतंत्र स्वतंत्र अपनी अपनी पोजीशन में अपने अपने स्वरूप में बड़े हुए। इसी तरह से ये अपना आत्मा इस शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, उसी तरह से दो पर्वतों की तरह से हमारा आत्मा अपना जानने देखने का काम अपने अंदर में करता है और शरीर अपना पुद्गल, वह शरीर पुद्गल इस पर सरस गंध वर्ण रूप परिणामित होता हुआ वह पुद्गल बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, जीव ज्ञान दर्शन में ही बना रहता है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण में ही बना रहता है, ये दो द्रव्य हुए। अब यहाँ कहना है क्या कि दो द्रव्यों में भिन्न भिन्न द्रव्यों में क्या क्या द्रव्य लेना, तो नौ कर्म फिर कर्म और फिर अंदर क्रोध है ना, क्रोध मतलब कि भाव कर्म, ये तीनों को भिन्न वस्तु मानना है, न्यारी वस्तु न्यारी वस्तु, और अपना जीव को न्यारी वस्तु, और उस वस्तु से मैं भिन्न हूँ मेरे से वे भिन्न है, और इन दो वस्तु के अंदर में जो दो वस्तुएं होती हैं उसके अंदर जो दो पार्टी हो गई, एक पर की पार्टी एक अपनी पार्टी, तो ये दो पार्टी में ऐसा मत कि ये जीव और ये पुद्गल ऐसी दो पार्टी नहीं रखना आप लोग, प्रदीप भाई दो पार्टी इधर जीव और इधर पुद्गल ये अलग अलग है, ऐसा नहीं करना है, इन दो पार्टी में एक पार्टी अपने को बनाओ इधर ये और ये भिन्न, ऐसा नहीं मैं और ये भिन्न है, ऐसा लगा मैं और मेरे, मैं एक पार्टी हूं खुद अपने को बनाए पार्टी, मैं आत्मा और मेरे से शरीर भिन्न है, मेरे से कर्म भिन्न है, मेरे से राग भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, क्यों नहीं होती, तर्क न्याय दो कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की क्यों नहीं होती, तो उसका हेतु यहां दे रहे हैं क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, प्रत्येक वस्तु के स्वयं के अपने अपने प्रदेश होते हैं, अपना अपना क्षेत्र होता है, बस उस क्षेत्र में उसका जो स्वक्षेत्र है उसमें पर क्षेत्र की नास्ति होती है, स्वक्षेत्र की अस्थि में पर क्षेत्र की नास्ति, तो यह प्रदेश है, प्रदेश शब्द द्वारा क्षेत्र लेना,
प्रदेश मतलब क्षेत्र, स्वक्षेत्र, ये इसका प्रदेश है, ये इसका प्रदेश है, प्लेटफार्म है, एक प्लेटफार्म प्लॉट लिया अपने, प्लॉट तो प्लॉट अपना क्षेत्र है, और अपने प्लॉट में जो कुछ है वो अपना है, दूसरे के प्लॉट का अपने इसमें कुछ नहीं है, अपने प्लॉट का उसमें कुछ नहीं है। अब हमारे प्लॉट के अंदर में जो सामग्री है वो हमारी, दूसरे के प्लॉट में दूसरे की, अब तो कोई प्रश्न करे कि वो दूसरे की क्यों है, हम कैसे माने कि वो पराई चीज है, भिन्न है, और सीधा हेतु है ना कि तेरे प्लॉट से बाहर है, तेरे क्षेत्र से बाहर है, तेरे प्रदेश से भिन्न है, तो नहीं मैं नहीं मानूंगा, और ऐसा हुआ कि उसने नहीं माना और उसके दूसरे के प्लॉट के ऊपर मकान बनाना चालू कर दिया, दूसरे के मकान पे प्लॉट चालू कर दिया बनाना, ऐसा हुआ हमारे उज्जैन में सिमरगंज मंडी में, एक पहले बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी, तो उस समय पे नई नई मंडी में इस प्रकार से ऐसी स्थिति थी कि बहुत ही प्लॉट थे, खाली जगह थे और सब सारे सेल हो चुके थे, बिक चुके थे, तो अब मकान बनाना है उसको, बड़ा व्यापारी, मकान बनाने के लिए दीदी मेरा प्लॉट बताया जाए तो कौन सा किस जगह पे नंबर आ रहा है, तो उसको नंबर प्लॉट दे दिया गया उसको कि आपका प्लॉट इस जगह पे आ रहा है, 76 नंबर का प्लॉट, ये आपका इस जगह पे आ रहा है, अच्छा तो ठीक है, और उसने मकान बनाना बना दिया, पूरा भवन बना दिया, पूरी बिल्डिंग हो, उसका गोडाउन वगैरह सब फैक्ट्री का काम कर दिया, जब तक उसके बाद आता है उस प्लाट का मालिक, ये तो प्लाट मेरा 76, ये तो 76 है नहीं, ये 75 है आपका, आपका वो ये तो ये जो प्लाट पे जिसने मकान बनाया ये 76 नहीं, ये 75 है, क्योंकि मेरे को उसने मंडी के कर्मचारी ने ये बताया था कुछ बताया था, जो कागज है वो बोल रहा वो काम आएगा, किसी को बताया, किसने बताया, हमको क्या लेना देना, ये 75 तो मेरा, ये प्लॉट मेरा हो रहा है, अब क्या करना, तो उसके हाथ जोड़े कि भैया ऐसा कर कि अब मेरा प्लॉट तू ले ले, तेरा प्लॉट मेरे को दे दे, डिफरेंस ले ले कुछ भी, नहीं मेरा तो मेरा प्लॉट मेरा है, मैं तो किसी हालत में नहीं पलटने वाला, पूरी बनी हुई पूरी फैक्ट्री कैसी कैसी, उसने उसके नाम करना पड़ी, उसको छोड़ना पड़ी, और उसने उसके पास में फिर से मकान बनाया, क्या गलती हो गई, दूसरे के प्रदेश में उसे तो दंड मिलना ही मिलना है, कषाय होना ही होना है, कर्म बंधना ही बंधना है, दंड मिलना मतलब कर्म बंधन, कर्म बंधन मतलब इसी पलटू हथकड़ी, हथकड़ी तो ही वो, क्यों तुमने दूसरे के प्लाट पे तुमने कब्जा करा, कब्जा करा मारे जाओगे, पिटे जाओगे, पुलिस में जाओगे, सबको सजाएं मिलेगी, तुम्हारे घर में तुम कुछ भी करो, अरे बात सुनो, वो ही यहाँ हेतु दिया है, प्रदेश भिन्न है, दूसरे द्रव्य के प्रदेश भिन्न है, प्लाट ही अलग है, तेरे आत्मा के जो प्रदेश है उन प्रदेशों में यह शरीर नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये राग भी नहीं है, राग के भी प्रदेश यहाँ भिन्न बताना है, राग के भी प्रदेश भिन्न बताना है, बताएंगे आपके कैसे भिन्न है, सबसे कठिन बात तो इसमें वही आएगी कि राग का प्रदेश, राग अपने जीव की पर्याय में हे असंख्यात प्रदेश नहीं है राग क्या, लेकिन उसको राग अपने प्रदेश असंख्यात प्रदेश में होने पर भी उसके उस राग के जो स्थान है आत्मा के अंदर उस स्थान को भिन्न बताया जाएगा कि उसी प्लाट में वो जो पोर्शन जहाँ पर कि ये गाजर घास उग रही है और वो खराब स्थिति जो उसको वो धसने वाली जमीन है वो उसके ऊपर तुम कुछ भी प्रयोग मत करना, तुम्हारे प्लाट के अंदर तुम्हारे लायक नहीं है वो, उसको तुम भिन्न जाओ, इतना छोड़ दो पोर्शन ना, वो आम है वो कहीं से सड़ा हुआ है तो उतना पोर्शन छोड़ दो, तुम
चलेगा उस आम की प्रदेश में है सड़ा हुआ भी तो, पर वो थोड़ी खाने योग्य है। आम के अंदर में तीन चीज होती, छिलका, गुठली और रस। तो छिलका तो छिलने लायक ही होता है ना, वो खाने लायक होता है क्या? हिसाब ये हमारे आम के अंदर ही, आम के अंदर ही है ना छिलका, हम तो खाएंगे क्यों खाएंगे? तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके घर में भी है, लेकिन अगर गलत चीज है, वो विकार है, तो वो हटाने लायक है, तो फिर उसके प्रदेश भिन्न क्यों बोल रहे हो? उसका क्षेत्र भिन्न क्यों बोल रहे हो? वो अंदर जो अच्छा आम है उससे ये छिलका, जो अंदर रस है उससे ये छिलका बाहर है। ये पूरा आम के अंदर तो वही है, पूरे पूरा प्रदेश है, मतलब पूरा क्षेत्र आम का है, लेकिन उस आम के अंदर में छिलके का क्षेत्र और रस का क्षेत्र अलग अलग है कि नहीं? वो अलग अलग है। ऐसा है यहाँ पर अपने असंख्यात प्रदेश में, हर प्रदेश में ऊपर ऊपर यहाँ पर राग होता है, ऊपर ऊपर राग फैलता है, बाकी अंदर हर प्रदेश के अंदर अंदर, असंख्यात प्रदेश के अंदर वहां पर भगवान आत्मा विराजमान होता है। असंख्यात प्रदेश में अनंत गुणों का पिंड चिदानंद चैतन्य देव विराजमान रहता है। इसलिए ऐसा अपना जो द्रव्य विराजमान है उसको दर्शन करना हो तो तुम्हें जो प्रदेश भिन्न है जिसके, ऐसे उन पदार्थों को भिन्न जानना होगा। तब यहाँ ये भेद ज्ञान करोगे तो अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में तुम्हें अपना ज्ञायक, अपना द्रव्य भगवान आत्मा तत्काल जानने में आ जाएगा, देखने लगेगी। जरा भेद ज्ञान करेगा जीव ज्ञान में से ज्ञाकार गुण करो। किस किस के ज्ञाकार? समस्त विश्व के। और समस्त विश्व में क्या क्या है? अपना शरीर भी आ गया, अपने कर्म भी आ गए, और अपना राग भी आ गया, ये भी, इसको भी, इसको भी भिन्न। अब बचा उपयोग, जानन ज्ञान, जानन भाव, ज्ञान में था ना, ये भिन्न है ज्ञान भिन्न। ज्ञान में ज्ञायक भाव, ज्ञान में वो जब शरीर नहीं है ज्ञान में, जब कर्म नहीं है ज्ञान में, राग नहीं है ज्ञान में, ज्ञान का जैसे ज्ञान टिकाओ के लिए, ज्ञान का दर्पण टिकाओ, यहाँ ज्ञान का दर्पण टिका लो। अब दर्पण को देखो, इसमें कैसे दिख रहा है दर्पण में? तो ज्ञान के दर्पण में शरीर दिख रहा है, मकान दुकान घर रहते दिख रहे, कर्म दिख रहा है, राग भी जानने में आ रहा है, क्रोध मान माया लोग अपनी परिणति में उत्पन्न होता हुआ क्रोध मान कायम दिख रहा है, ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंब बन रहे। अब ये जो ज्ञान के दर्पण की स्वच्छता में जो प्रतिबिंब बना है, इस स्वच्छता में कौन बैठा है ऐसा निर्णय करो। अब शरीर दिख रहा है तो शरीर बैठा है क्या उसमें ज्ञान के दर्पण में? ज्ञान ही बैठा हुआ है, वो शरीर क्यों नहीं बैठा हुआ है? दिख रहा है ना उसमें ज्ञान, दर्पण में प्रतिबिंब तो हो रहा है, शरीर झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा उपयोग, इस उपयोग में जिसमें शरीर प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसे उपयोग में भी शरीर नहीं है, शरीर का प्रतिबिंब है, शरीर नहीं है। समझ आया? कर्म का प्रतिबिंब है, कर्म नहीं है, राग का प्रतिबिंब तो है, राग नहीं है। तो उपयोग क्यों? दर्पण में हाथी प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण था उसमें हाथी ऐसे, तो दर्पण के अंदर में भी हाथी ऐसा दिखने लगा, जाते हुए, रुकते हुए, सूंड ऊपर करते हुए, ऐसा ऐसा दिख रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है दर्पण के अंदर में। अब हमको किसका निर्णय करना है, हाथी का निर्णय करना है कि दर्पण का निर्णय करना है? हमको निर्णय करना है दर्पण का, कि दर्पण में हाथी है कि नहीं है। हाथी है ना, वो दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विपिन भाई दिख क्या रहा है? आपने कहा कि दिख रहा है, हमने कहा हाथी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दर्पण दिख रहा है, हाथी नहीं दिख रहा है। ज्यादा ज्यादा बोलना है तो हाथी का प्रतिबिंब दिख रहा है, इतना बोलना पड़ेगा, हाथी तो दिख ही नहीं रहा है, हाथी का प्रतिबिंब है दर्पण।
और प्रतिबिंब भी व्यवहार में से है, वो तो निश्चय में से, तो वो दर्पण ही का आकार है, दर्पण ही है। लेकिन अपन फिलहाल तो स्थूल व्यवहार से चल रहा कि वह जो दर्पण में हाथी प्रतिबिंबित होता हुआ, उसमें हाथी नहीं है, क्योंकि हाथी तो वहां खड़ा जो दर्पण में कहां हाथी घुसा हुआ है। और कोई को लगे कि नहीं नहीं यहाँ तो इसमें हाथी है, अच्छा ऐसा करो जरा, ऐसा इसका कान पकड़ के बताओ, हाथी का कान पकड़ो। तो गया हाथी का कान पकड़ने, तो उसको क्या पकड़ना आएगा, कान पकड़ना आएगा, तो यहाँ देखा तो हम तो दर्पण आ रही है, यहाँ तो कान है ही, क्यों पकड़ में नहीं आ रहे, क्यों पकड़ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। और मैं तो समझ रहा था कि यहाँ है, समझ रहा था यहाँ है, जब है ही नहीं वो समझ रहा था है, तो भूल चल रही ना। भूल तो मिटाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के जीवन में उतरना है। तो ऐसा तो है नहीं कि पर जनवाणी सुन ली, इस कान से और इस कान से निकाल ली, घर चल गए, सो गए जाके, तो जिंदगी निकल जाएगी। उसका विचार करना होगा ना कि किस तरह से, कैसे मेरा ज्ञान के दर्पण में, उधर ऐसे ज्ञान के दर्पण में प्रतिबिंब होते हैं बिल्कुल। हम तो सिर्फ ज्ञान के घनपिंड बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ ला नहीं रहे, कुछ ले जा नहीं रहे। रोटी भी बन रही है तो बनती हुई रोटी हमारे, हम तो कैसे हैं ज्ञान के दर्पण में बैठे हुए हैं और उस दर्पण में ये रोटी झलक रही है, बनती हुई झलक रही, हाथ हाथ चलते हुए ऐसा करते हुए ऐसी अपने ज्ञान के दर्पण में झलक रही है। हाथ भी चलते हुए चला नहीं रहे हाथ, ये चलते हुए दिख रहे हैं, ये कौन चला तो रहा है, करता तो है कोई इसका, अरे कोई नहीं, वो द्रव्य खुद ही परिणामित हो रहा है अपने आप, कोई द्रव्य किसी को नहीं परिणाम आ रहा, छह द्रव्य स्वतंत्र हैं। ऐसे ज्ञान के दर्पण में हमेशा शांति से अपने उपयोग में उन पर द्रव्यों की उपस्थिति मत देखो, नहीं है, क्योंकि दूसरे द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि प्रदेश भिन्न है, उसके प्रदेश उसमें, अपने प्रदेश अपने में। प्रदेश तो समझते हैं ना सब, असंख्यात प्रदेश, सब प्रत्येक छह द्रव्य के अपने अपने प्रदेश हैं। जीव कितने प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल कितने प्रदेशी होता है, परमाणु तो एक प्रदेशी होता है, पर स्कंद बनने की अपेक्षा से संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, दो द्रव्य कितने प्रदेशी हैं, ये भी असंख्यात प्रदेशी। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, पूरे लोक में फैले हुए एक एक ही है, एक एक ही द्रव्य है। और आकाश कितने प्रदेशी, तो वह अनंत प्रदेशी, पूरे विश्व में के अलावा भी अलोकाकाश भी है ना, उसमें अलोकाकाश लोकाकाश दोनों मिलकर के एक ही आकाश है, दो आकाश नहीं हो। और उसके कितने प्रदेश है, अनंत प्रदेश। और उसके साथ में फिर यह हुआ काल द्रव्य, तो काल द्रव्य के कितने प्रदेश, एक काल द्रव्य के प्रदेश कितने, एक प्रदेश। इसे एक एक प्रदेश ही काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात है, कितने द्रव्य है वो अलग बात है, प्रदेश कितने अभी आगे बात चली, कितने हैं, जीव अनंत, उद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश, एक 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 काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्या, सारा विश्व आ गया, पूरे विश्व को नाप लिया है। इसके अलावा कोई विश्व में अन्य अन्य वस्तु नहीं है, जो जितने बताया जीव अनंत उद्गल अनंतानंत, वो अनादि से उतने ही है, एक भी जीव नहीं बढ़ेगा अनादि से अनंत काल में, एक भी उद्गल भी नहीं बढ़ेगा, और अनंत काल में एक भी खत्म भी नहीं होगा, नष्ट भी नहीं होगा, न घटेगा न बढ़ेगा, अनादि से अनंत कालों में एक भी जीव नष्ट नहीं हुआ है न होगा, न उत्पन्न हुआ है न होगा, जितने हैं उतने के उतने हैं। ये क्षेत्र भी अनादि अनंत है और इसी से विश्व टिका है, और सारा विश्व भी इसीलिए अनादि अनंत है, क्योंकि क्षेत्र के समूह को विश्व कहते हैं। ऐसे इस विश्व के अंदर में ये जो छह प्रकार के द्रव्य हुए, ये द्रव्य प्रत्यय सबके प्रदेश अपने अपने भिन्न है। प्रदेश क्या होता है, प्रदेश ये प्रदेश एक नापने का साधन है, नाप, प्रदेश मतलब नाप है, जैसे
दूध लीटर में नापा जाता है, कपड़ा मीटर में नापा जाता है, और सोना चांदी ये मिलीग्रामों में नापे जाते हैं, किलो में नापे जाते हैं, है ना। इसी तरह से ये अरूपी पदार्थ जो है इस जगत के अंदर जो भगवान ने जाने छह प्रकार के द्रव्य, इसको कैसे नापा जाता है, तो इसको नापने का जो नपना है उस नपने का नाम है प्रदेश। ये प्रदेशों से नापा जाता है, मैं कितना बड़ा हूं आत्मा, क्या संख्यात प्रदेश है, अपना नाप मालूम पड़ जाता है मैं कितना हूं, कितने प्रदेश, असंख्यात, असंख्यात कितने, असंख्यात, असंख्यात के भी असंख्यात भेद है, तो अब कितना असंख्यात, तो कि लोक में जितने लोग प्रमाण असंख्यात, लोक में जितने हैं उतने असंख्यात मेरे, उतना का उतना आला असंख्यात मेरे अंदर में है, अर्थात जीव पदार्थ में, मैं कितना बड़ा हुआ तो वो असंख्यात से लोकाकाश के बराबर हुआ, क्योंकि इतने से जगह में कैसे आ गया फिर शरीर के बराबर, मैं लोकाकाश बराबर हूं कि शरीर के बराबर हूं, तो किसके बराबर हूं, लोकाकाश के बराबर हूं कि अभी शरीर के बराबर, शरीर के बराबर, शरीर के बाहर बराबर होंगे निश्चय से के व्यवहार से, शरीर के बराबर व्यवहार से, लोकाकाश के बराबर व्यवहार से, अभी तो शरीर के बराबर है तो निश्चय हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, तो शरीर है उसके बराबर आत्मा के प्रदेश उतने बड़े हैं, ये कहा उसके बराबर होने से कोई शरीर पुद्गल थोड़ी बन जाएगा, आत्मा तो अलग अलग प्रदेश है सबके, तो आत्मा के प्रदेश जो है वो कितने असंख्यात लोकाकाश प्रमाण, तो फिर भी उसको कहेंगे शरीर प्रमाण, ये व्यवहार में ऐसे कहेंगे, एक्चुअल में हमारे उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं, क्योंकि तो यहाँ इतने शरीर में कैसे आ गए, तो भी घड़ी होकर क्यों हो जाते हैं, अभी चींटी का शरीर मिला है तो चींटी इतना सा हो जाएगा ये शरीर, और आलू में पैदा हो गया तो वो तो निबोधिया जीव, तो वो तो एक शरीर, एक शरीर और स्वामी अनेक, समझे, शरीर एक और स्वामी अनेक, मतलब स्वामी मतलब जितने जीव है ना उसमें एक शरीर में अनंत जीव, उन सबका अलग अलग शरीर नहीं, एक ही जीव के शरीर तैयार है, वो जीव कहता है कि मेरा शरीर वो समझता है, मेरा शरीर वो समझता है, मेरा शरीर और सबके शरीर, अरे बात समझो, जैसे यहाँ पे अपन बैठे हैं, यहाँ पे अपना जो बड़ा जीव है, अपना जीव मुख्य, वो मानता है कि ये शरीर मेरा है, मिथ्या दृष्टि हो कैसी मानता है कि शरीर मेरा है, ठीक है जो, अब इसके अंदर जो जो कीटाणु है, जीवाणु है, दूसरे जीव है, इसमें कृमि है, अनंत जीव है शरीर के अंदर, निबोधिया खून की एक बूंद में भी अनंत है, ऐसे ऐसे जीव जो है सारे जीव है, ये सारे जीव जो है वो सब कहते हैं कि मेरा शरीर, वो कहता मेरा शरीर, ओके मेरा शरीर, अपन क्या बोल रहे हैं मेरा शरीर, ये किसका शरीर है, अरे ये किसी का नहीं है, पुद्गल का शरीर है, ये जीव का शरीर ही नहीं है, पर वो शरीर को अपना मान मान करके, मानने से कर्म ऐसे बनते हैं कि फिर शरीर मिलता है संयोग में, संयोग में होता है, आत्मा में घुस नहीं जाता शरीर, शरीर अलग रहता है और आत्मा अलग रहता है, ऐसा दोनों के न्यारा न्यारापन है, तो यहाँ तो प्रदेश का स्वरूप बता रहे हैं अपन के, प्रदेश शरीर के बराबर हो गए तो इतने छोटी जगह में कैसे आ गए, कितने आ गए, तो इसका सीधा जवाब है कि घड़ी होगा, जैसे एक धोती है, तो धोती 5 मीटर की, उसको घड़ी करके और एक छोटे से डिब्बे में रख दिया, पूरी धोती को एक डिब्बे में रख दिया छोटी सी जगह में, तो छोटी सी जगह कितने मीटर की है, तो छोटी सी जगह है, अब इतने बड़े साड़ी के सारे 5 फीट के 5 मीटर की साड़ी इतनी लंबी, ये इसके अंदर कैसे समा गई, घड़ी होकर के समा गई, घड़ी होकर छोटी हो गई, अच्छा छोटी हो जाने से छोटी हो गई कि 5 मीटर की, 5 मीटर की निश्चय से 5 मीटर की इतनी बड़ी है कि इतनी सी जगह में आ गई, कितनी सी, इतनी ही बड़ी है, उतनी ही बड़ी 5 मीटर की, 5 मीटर की जरा सी भी कमी हुई है, कम जगह में आ जाने पर कम नहीं हो गई, वो उतनी की उतनी है, ऐसा अपना आत्मा असंख्यात परिसर लोकाकाश प्रमाण है, और वो इतनी कम जगह में आया घड़ी होकर के, इसलिए वह इतनी जगह में आने पर कोई असंख्यात प्रदेश से लोकाकाश के बराबर से
इतना छोटा नहीं हो गया है, उतना का उतना बराबर बना बनाया विराजमान है। अभी असंख्यात परदेशी प्रभु हूं मैं तीन लोग के बराबर, इतने विशाल क्षेत्र वाला असंख्यात प्रदेश वाला मैं यहाँ पर खड़ी होकर के इतनी जगह में बैठा हूँ, तो सारे सामर्थ्य लिए मैं उपस्थित हूँ, हाजरा हजूर हूँ, मौजूद हूँ, मैं अनादि अनंत चीज हूँ, महासत्ता हूँ, मैं एक सत्ता हूँ, विश्व की धरोहर हूँ, ऐसा हूँ मैं पदार्थ। ये पदार्थ को उसने पकड़ा। अब ये जो प्रदेश मेरे हैं, ऐसे दूसरे द्रव्य के अपने अपने प्रदेश हैं सबके, उसके उसका नाप है, प्रदेश मतलब नाप कितना बड़ा होता है नाप का, तो एक परमाणु जितनी जगह रुकता है ना आकाश की, एक परमाणु या एक परमाणु यहाँ आकाश में रखो, यहाँ आकाश के खाली जगह में एक परमाणु रखो, उस परमाणु को हटा दो, तो वो जो जितनी जगह रहती जितनी जगह रोकी थी ना उसने परमाणु में, वो एक प्रदेश कहलाता, ये नाप हो गया उसका। तो ये ऐसे असंख्यात प्रदेश, असंख्यात में सारा लोक का बराबर हो जाता है, लोकाकाश हो जाता है, इतने प्रदेश हो जाते हैं असंख्यात। तो मेरे में असंख्यात अंश है क्या, टुकड़े हैं क्या, असंख्यात एक एक प्रदेश एक प्रदेश करके असंख्यात है क्या, नहीं है ना। ये अपनी वस्तु का निश्चय चल रहा है कि कैसा हूं मैं, हमेशा दुनिया इस मंदिर के बाहर जाओगे तो सब दुनिया बाहर की बात करेगी, आपका मकान कैसा है, ये मेरा मकान ऐसा है, मेरी दुकान ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे है, मेरा शरीर ऐसा है, ये सब ये किसकी बात चल रही है, सब दूसरों की बात चल रही है। आपने सिर्फ ये जो मंदिर में आओ जो जिनवाणी सुनो बस वहीं पर ये बात मिलने वाली है, मैं कैसा हूं, मैं आत्मा कैसा हूं, यहाँ अपना निर्णय हो रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो यहाँ ऐसा कहा कि मैं असंख्यात प्रदेशी आत्मा हूं, और ये शरीर के प्रदेश बिल्कुल उसके पुद्गल के प्रदेश है, वो उसमें है, कर्म के प्रदेश भी पुद्गल के उसके प्रदेश उसमें है। तो जहां प्रदेश भिन्न हो, प्लाट ही भिन्न हो तो फिर वहां अपना कोई अधिकार नहीं होता, किसी द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य के प्लाट में अधिकार नहीं होता। और उसका भी हेतु है ऐसे, क्योंकि प्रदेश भिन्न है, अब भिन्न होने में क्या हेतु है कि वो एक दूसरे से, ठीक है प्रदेश भिन्न है तो क्या हुआ, आपकी भिन्न भिन्न वस्तुएं अलग अलग प्रदेश वाली एक दूसरे की हो जाती है, जैसे कि हमने सोना खरीद लिया तो हमारा हो गया कि नहीं हो गया, तो भिन्न वस्तु हमारी हुई कि नहीं हुई, तो प्रदेश भिन्न होने से वह एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, ये आप कैसे कह रहे हो, उसका भी एक महान तर्क है कि इसके लिए आपको अपने प्रदेश में जो वस्तु रहती है वह वस्तु का स्वरूप क्या है, तो उसके वस्तु के अंदर में द्रव्य गुण और पर्याय तीन चीज होती है। अब वह वस्तु द्रव्य में उसके अंदर अनंत गुण और उसके एक एक गुण के एक एक समय में एक एक पर्याय ये उत्पन्न करता है। अब इस जीव की द्रव्य गुण पर्याय तक इसकी चादर है, इसके बाहर पांव निकाल नहीं सकता, प्रत्येक द्रव्य की अपनी मर्यादा है, प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा में रहता है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए परिणमती हो, कोई वस्तु किसी द्रव्य को नहीं परिणमाती, छह द्रव्य स्वतंत्र अपने अपनी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा में जैसे समुद्र है वो मर्यादा में रहता है, समुद्र होता है ना वो मर्यादा में रहता है, पर जो नदी होती है वो मर्यादा छोड़ देती है, जो छोटापन होता है ओछापन वो मर्यादा छोड़ के बाहर निकलता है, नदी छोटी होती है उसमें बाढ़ आ जाती है और वो पानी जो है गाँव में घुस जाता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन समुद्र बड़ापन है उसमें, बड़प्पन महागंभीर, और उसमें वो ऐसा नहीं होता कि वो जो है बाढ़ जाए गाँव में घुस जाए, अपनी मर्यादा को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, और वो ही कॉन्फिडेंस है सबको कि मर्यादा नहीं छोड़ेगा, इसलिए बम्बई में समुद्र के किनारे ही मकान बना दिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनी और सारे बम्बई बसा हुआ है, क्यों डर ही नहीं है कि कभी मर्यादा छोड़ के घुस जाएगा, उस बल्ब भी बना है ना सारे बिल्डिंग, मर्यादा नहीं छोड़ता वो, ऐसा ये प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहेगा और अपनी मर्यादा छोड़ के दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में कभी प्रवेश नहीं करेगा,
अब दो द्रव्यों का न्यारापन हो गया, काय से न्यारापन हुआ द्रव्य गुण पर्याय से, दो द्रव्य न्यारे। अब द्रव्य में रहने वाले जो अपने गुण है वो अपने अपने गुण होने से, अपने गुण अपने में, तो दूसरे के द्रव्य के गुणों से अपने गुण भी न्यारे, और अपने गुण अपने के साथ अपनी पर्याय होती है अनंत, तो दूसरे के द्रव्य से उनका द्रव्य भी न्यारा, उसके गुण भी न्यारे, उसकी पर्याय भी न्यारी, अपनी पर्याय से उसकी पर्याय न्यारी। और ये ज्ञान में उसे तर्क न्याय युक्ति से अगर बिठा ली ना तो ज्ञान भेद ज्ञान कर डालेगा एकदम, जैसा चमत्कार होगा उसमें, ये पुद्गल न्यारा दिखने लग जाएगा, हाथ शरीर ये पूरा का पूरा ऐसा भिन्न पड़ा हुआ दिखेगा, और तुम अकेले अरूपी आत्मा ज्ञान के अंदर अनुभूति में आ जाओगे, उपयोग में उपयोग है, पूरा द्रव्य भगवान बैठा हुआ है वहां उसको मिल जाए, जैसा काम चमत्कार हो जाए। ये ज्ञान जो तत्व ज्ञान है इसके क्यों इतने गीत गाए जाते हैं, इसको क्यों इतना बखाना जाता है, इसीलिए कि यह जीवों का उद्धार करता है। जिनवाणी को नहीं तारे, सबको तारती, जो भी जिसको समझेगा जानेगा पहचानेगा उसको तार देगी, यही शरण है। अलग से शरण जो नाम दिया है इसको, चार शरण दिया ना, चत्तारी शरणम पवज जानी, तो उसके अंदर में केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज जानी, केवली भगवान के द्वारा प्रणीत जो वीतराग मार्ग है उसकी शरण में जाता हूँ, यही शरण है। मरते टाइम मालूम पड़ता है कि कौन शरण है, क्योंकि उसको दिखता है डॉक्टर की लाइन लग रही है और सब, अरे डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो, डॉक्टर साहब के मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो तुम अब बच नहीं सकते, अरे बचा लो बचा लो बचा लो, मैं आपको कितने रुपए चाहिए, कितना धन चाहिए, मेरा सारा पड़ाया कितना चाहिए, सारा ले लो मेरे को, अरे तू सारा क्या, सब कुछ कुछ दे दे तेरे, कुछ तेरा है ही क्या जो दे दे तेरा, तो छोड़ के जा ही रहा है, तू पहले मान रहा था कि मेरा मेरा है, मान नहीं रहा था कि तू पराया जमानी, रोज कह रही थी कि तेरा कुछ नहीं, ये पैसा नहीं है, जबरदस्ती अपने को साथ में बांधने की कोशिश कर रहा था, अगले बांध के ले जा अगले जन्म में, जब जाने न तो मदद कर सकता है बचाने के लिए पैसा, और न अगले जन्म में साथ में जा सकता है, किस काम का है बता, तेरा है ही नहीं, तू मान ले कि परद्रव्य है, तो परद्रव्य को स्वद्रव्य मानेगा तो तेरा होगा क्या, यही होगा कि वो मिथ्या के कर्म से फल भोगना पड़ेगा, चार अभी चौरासी लाख दुनिया में जाए, इससे खतरनाक बात है, खतरनाक परिस्थिति हो रही है उस समय पर, मरने के टाइम पे जब लग जाता है कुछ ठिकाना कुछ नहीं, तो सोचता है किसकी शरण में, डूबते को तिनका सहारा, बचाओ बचाओ क्या करूं, तो फिर उसको कहते हैं कि पंच परमेश्वरी शरण है, चत्तारी शरण है, अरहंते शरणम पवज जहां, भगवान की शरण में जाता हूँ, सिद्धों की शरण में जाता हूँ, आचार्यों की शरण, साधुओं की शरण में जाता हूँ, मतलब आचार्य उपाध्याय साधु में, साधु शरण पवज जामी में, तीनों गर्भित हैं आचार्य उपाध्याय साधु ये साधु में, और केवली पणत्तम धम्मम शरण पवज जामी, अर्थात केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म की इसकी शरण में जाता हूँ। अब कब याद आ रही है इसको कि इसकी शरण में जाता हूँ, मतलब इनके बताए मार्ग पे चलता हूँ, और अब टाइम बचा कहाँ है कि तो उसके मार्ग में चलेगा, रोता हूँ ज्यादा आगे जाना, तो उस समय याद करा, उसके पहले अगर बीच में याद कर लेता जिंदगी में, मरते मरते की जगह जीते जीते कर लेता याद, तो जीते पूरा जीवन भर इसका लाभ उठाता, कितना फायदा मिलता, और वो समाधि मरण भी हो जाता, भेद ज्ञान करके मृत्यु होती, अपनी आत्मसत्ता में टिक कर अनुभूति के साथ में, शरीर तो पलट जाएगा, आयु कर्म पलट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाए, तो वो उसका काम प्रक्रिया चल रही है, मैं उसमें टेंशन क्यों कर रहा हूँ, अरे मैं मजूंगा मजूंगा, दुखी क्यों हो रहा हूँ, अरे समझेगा तो नहीं होएगा, नहीं समझेगा तो दुखी हो नहीं होना, और किसी को छूट है नहीं, बने इंद्र हो चक्रवर्ती हो सब मरते हैं, बड़ा इंद्र इंद्र देवगति का वो मरता है, सब छूट किसी कोई भी नहीं जिंदा रहता है, आयु कर्म पूरा हुआ फिर भरती विद्या जीव को कोई न राखन हा, हाँ, और सब मरते हैं अपनी अपनी बात, जिसका नंबर आया मर जाता है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, प्रदेश भिन्न है इसलिए उसमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, थोड़ा सा गंभीर लेना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें
व्यवहार रत्नत्र है, जो व्यवहार रत्नत्र है वो राग रूप है तीनों। व्यवहार रत्नत्र क्या है? तीनों राग रूप है, अर्थात कि श्रद्धा का व्यवहार, ज्ञान का व्यवहार और चारित्र का, सब तीनों राग रूप है। और एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं कह रहे ना, जो इसमें जो मैं जीव वस्तु हूँ, उपयोग वस्तु हूँ, जो वह क्रोध की नहीं। क्रोध की नहीं का अर्थ क्या बताया? कि व्यवहार रत्नत्र है। क्रोध मतलब क्रोध नहीं होता है, क्रोध का अर्थ ये होता है कि क्रोध मान माया लोभ और जितने तरह की कषाय हैं सब, तो तीव्र कषाय और मंद कषाय या जितने तरह के विकार हैं उन सबको एक नाम से यहाँ इंगित किया है, क्रोध है ना। समझा? क्रोध भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, मतलब क्या है कि ये सारे सारे विकारी भाव भिन्न है और इतने भिन्न है कि प्रदेश भिन्न है उनके। इसलिए मैं बिल्कुल भिन्न एक वस्तु शुद्ध आत्मा विराजमान हूं। अब वो क्या है, बहुत सारे उदाहरण है, इसमें अपने को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब आप थोड़ा समझ लेना प्रदेश भिन्न की बात में, कि जो राग के प्रदेश भी भिन्न बताए, अपने अंदर में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं व्यवहार रत्नत्र की, वो व्यवहार रत्नत्र की वे पर्यायों को, वो पर्याय होएगी तो मेरे भगवान आत्मा को मदद मिलेगी। वो सही बात है गलत? तो दो पॉइंट पर विचार करना कि ये राग होएगा, राग होएगा शुभ राग, दया दान व्रत पूजा भक्ति तीर्थ यात्रा, ये शुभ भाव होंगे तो मेरे आत्मा की अनुभूति होगी, मुझे भगवान आत्मा मिल जाएगा, मेरा भगवान आत्मा टिकेगा। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? प्रदेश है। क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न प्रदेश है और उसमें कुछ भी व्यवहार रत्नत्र में राग हो रहा है, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा के प्रदेश ही जुड़ रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। अभी बात व्यवहार रत्नत्र से लाभ नहीं, देखो मोक्ष मोक्ष भी नहीं होगा वो तो ठीक है, पर शुद्धात्मा को तो शुद्धात्मा तो बनाएगा नहीं। अपने उपयोग के अंदर में यहां से विचार होना, अपने उपयोग में वो व्यवहार रत्नत्र है क्या? दर्पण में हाथी है क्या? नहीं है ना। जैसे व्यवहार रत्नत्र है मेरे ज्ञान के दर्पण में, ज्ञान का घनपिंड बैठा हूं मैं बस, शुद्ध आत्मा, उस ज्ञान में ये झलका, क्या चीज झलकी? व्यवहार रत्नत्र। ये झलकता सिर्फ इतना संबंध है अपना, गे गायक संबंध बस। तो वो जो झलका अंदर में झलकने पर, क्या वह अंदर दर्पण में घुस गया है क्या? व्यवहार रत्नत्र नहीं घुसा, तो वो बाहर के बाहर चलता है, इच्छाएं मंदिर चलो, पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान विराजमान है, ऐसे ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं, ये सब बाहर के बाहर लौटते हैं, बाहर लौटते हैं, बहिर्लुठती परिणाम है, बाहर लौटते हैं। इसके साथ में फिर लगाव और आगे कि जब ये उनसे वो लाभ नहीं होता, दूसरी बात व्यवहार रत्नत्र से आत्मा को लाभ नहीं होता, एक हो गई। इसी तरह आत्मा भी व्यवहार रत्नत्र नहीं कर सकता, उधर वो तो मेरे को लाभ नहीं देता, अब मैं कर्ता तरफ से लेता हूं कि मैं आत्मा व्यवहार रत्नत्र का करने वाला हूं नहीं, क्योंकि मेरे प्रदेश भी नहीं, मैं कैसे करूंगा व्यवहार रत्नत्र। अर्थात इसमें कर्ता बुद्धि भी गई और लाभ बुद्धि भी गई। आगे बात समझे? और एक और उड़ा दो, एकत्व बुद्धि भी कैसे गई कि मैं उपयोग हूं, उपयोग उपयोग है, राग तो प्रदेश भिन्न है, व्यवहार रत्नत्र क्या है? प्रदेश भिन्न है, भिन्न है तो वो मैं नहीं, मैं नहीं हूं, तो एकत्व बुद्धि भी गई। वो मैं उसको मैं मानू, मैं राग हूं तो एकत्व बुद्धि हो जाती, एक ही हो जाए राग, मतलब मैं तो राग ही जुड़ गया, एक ही हो गया मेरे साथ, जुड़ गया हो तो राग, तो जुड़ गया तो एकत्व बुद्धि हुई,
इसलिए इसी न्याय से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, हमने एकत्व बुद्धि भी उड़ा दी। उससे राग से भी कर्म से न, वो तो परद्रव्य साक्षात ही परद्रव्य, तो डायरेक्ट परद्रव्य हुए हो तो उसमें तो भिन्न बुद्धि सहज बात समझने के लायक है ही। उसको अपना माने हो तो महामिथ्या दृष्टि है, पर अपनी पर्याय में राग हो रहा है व्यवहार, उसको बाहर बताकर अपने उपयोग से बाहर बता रहे हैं, ज्ञान का गेम में जा रहा है वो, और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग हूं, ऐसा जानने से, उपयोग में उपयोग जानने से और क्रोध में क्रोध जानने से व्यवहार रत्नत्रय से लाभ बुद्धि खत्म हुई, व्यवहार रत्नत्रय का कर्तापना खत्म हुआ और व्यवहार रत्नत्रय के साथ एकत्व बना भी खत्म हो गया। यहां सुंदर प्रकट हो गया, उससे लाभ करना मानना बंद हुआ, निश्चय संवर प्रकट हो गया, तत्काल वह संवर प्रकट हुआ। अब व्यवहार अत्यंत शुभ भाव है, उससे जो कर्म आ रहे हैं वो उससे नए कर्म आना बंद हो चुके हैं, वो व्यवहार अत्यंत है। उसको कैसे आ रहा है, वो मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से आ रहा है। ज्ञानी तो उसको जानता देखता है, न्यारा करता रहता है, अज्ञानी करता है तो उसे उसको करने से रत्न व्यवहार अत्यंत के राग का करता होने से, करता होने से नए कर्म बनते हैं। तुमने राग करा? हाँ मैंने राग करा, मैंने करा, अच्छा है ना, राग करना ही पड़ेगा ना, तो करता बन रहा है तो दंड मिल रहा है, कर्म नए आ रहे हैं, आश्रय हो रहे हैं। अब इसने कहा नहीं राग मैं नहीं कर रहा हूं, अपने आप हो रहा है, मैं तो ज्ञान जान रहा हूं, देख रहा हूं, तो करता बना, तू नहीं कर रहा है तो दंड क्यों मिलेगा, हो रहा है राग तो कर नहीं रहा ना भाई अनंत, नहीं कर रहा तो तुम नहीं करने वाले को दंड क्यों मिलेगा, तुम तो अलग अलग हट गए, मैंने किया ही नहीं, तुम्हारा दंड कैसे मिलने वाला है। तो इसलिए वो व्यवहार रत्नत्र को जैसे ही भिन्न जाना और कर्म उदय वश हो रहा है ऐसा जाना, वैसे ही उसका दंड मिलना बंद हुआ, इजिकल टू आश्रव आना बंद हो गए, आश्रव रुक गए, आश्रव निरोधो संवर, मैंने संवर प्रकट हो गया। राग भी हो रहा है, घर कुटुंब परिवार का भी राग हो रहा है, मंदिर पूजा पाठ का भी राग हो रहा है, व्रत नियम भी कर रहा है, सब राग चल रहा है, व्यवहार रत्नत्र है, और आप कह रहे हो कि सुमर हो गया है, तो गजब की बात है, सुमर कैसे हो गया इसकी, या हम कर ही नहीं रहे हैं इसलिए हो गया, कर्ता बनते तो नहीं होता, फिर तो कर्म बनते आते हैं फटाफट, चाहे पुण्य कर्म बनता शुभ भाव करो तो पुण्य कर्म का आश्रय होता, आश्रय होता ना, सुमर तो नहीं होता। सुमर तो वो अमृत है जिसका नाम है सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, सम्यक ज्ञान, ये है संवर। और ये अब ये जो तीनों ये इसने संवर ने अर्थात सम्यक दर्शन ने और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव ने इसने इसको रोक रखा है, किसको रोक रखा है, कर्मों के आने को। अब ये नए भाव कर्म फिर भी पैदा तो हो रहे हैं अपने को, प्रत्याख्यान की प्रत्याख्यान के सुंदर कषाय की बात चल रही है, चल रही है, हाँ चल रही, ज्ञानी भी होता है, मुनिराज भी होते हैं, विकल्प व्रत नियम संयम करते हुए दिख रहे हैं, वो उनको वो कर नहीं रहे हैं, प्रदेश भिन्न है, वो तो अंदर में मैं तो भगवान आत्मा हो सब जान रहे, कर नहीं रहे हैं तो उनको कैसे कर्म बनेगी, तेने हाँ पुण्य कर्म तो बनेगा ना, आश्रम भी बंद हो गया तो फिर ये तो हो क्या रहा है उनको, कैसे उम्र हो रहा है उनको, तो फिर ये जो सुभाव हो रहे हैं ये तो पुराने जो कर्म बंधे थे ना मोहनी के, उसका उदय चारित्र मोहनी कर्म का उदय से वो राग आ रहा है, कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है तो दंड बंद, फिर आ रहा है वह राग सारा का सारा, तो भिन्न जानता है, ज्ञाता दृष्टा है, इस प्रकार से वह निवृत्ति उसकी होती चली जाती है, उस राग की निवृत्ति होती जाती है और ये जीव मुक्ति के मार्ग में दौड़ लगाता है, सिर्फ उपयोग में उपयोग ही देख करके वह दौड़ लगाता है, स्वरूप में डुबकी लगाता है और उसका उसका महाहित होता है, अतिथि आनंद बरसता है, भगवान बन जाता, इन लोग का नाथ हो जाता है। लाइन पर गाड़ी आ गई, पटरी पर गाड़ी आ गई, पटरी से उतर के गाड़ी चलेगी तो निश्चित रूप से खाई में गिरेगी, एक्सीडेंट होगा, टूट फूट जाएगी, बैठने वाले भी मर जाएंगे, पटरी पर चलेगी तो फिर डर की बात नहीं है, वो सही बात है, सही है, फिर भी गलत है,
पटरी पर तो चलेगी लेकिन सही दिशा में जिधर जाना है उधर चलनी चाहिए। और जाना तो बंबई और दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाएगा तो जितनी तेज जा रही हो वो बंबई उतनी दूर होती चली जाएगी। सही की नहीं बात? इसलिए है सही ट्रेन में बैठो, सही ट्रेन में बैठो, बिल्कुल डरो ही मत, किसी के प्रभाव में आओ मत। किरण साहब ये हम आपके समाज के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे बल हैं, ये सब ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वो गलत गाड़ी में बैठ गए हैं तो हमको भी बैठना पड़ेगा, हम क्या करें? ऐसे मत प्रभाव में आओ, अपना अनंत काल का सवाल है, अपना जन्म मरण का सवाल है, हम अपने सही ट्रेन में बैठेंगे जहाँ पे यथार्थ वस्तु का स्वरूप दिग्दर्शन होगा, वहां पर वह हृदयंगम करेंगे और उसका उसके अनुसार हमारा कल्याण करते हुए अनंत काल सुधारेंगे। ये किसी के कहे में आकर के प्रभाव में आकर के हम अपने को नरक में गोद जाएंगे क्या? तो गलत रास्ता बताया उसने कि हमको जाना चाहिए इधर बम्बई की तरफ। उसने कह दिया किधर है बम्बई, तो कह दिया कि इधर है। ठीक है भैया, थैंक यू बोल दे दिया उसको, और हम चले उधर तो कितने दूर होते जाने बम्बई से, उल्टी दिशा दिखा दी उसने। उल्टी दिशा दिखाने वाला इज इक्वल टू कुगुरु, कुगुरु का खतरा समझ लेना कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा खतरा होता है, कहां ले जाके किस जन्म में पहुंचा देगा वो। जाना तो चाहता था मैं जन्नत में, पहुंचा देगा वो जन्म में, ऐसा है। इसलिए यहाँ पर सत्य बात की है, कुनकुंदा चाय की गाथा देखो, क्या निश्चय की बात, व्यवहार की बात, व्यवहार से निश्चय को व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होता। हाँ, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाए तो ऐसा है कि जैसे बोए तो बीज बबूल के और आम का फल लग जाए, क्योंकि व्यवहार तो शुभा हुआ, शुभा आश्रय हुआ, तो बीज तो बोए आश्रय के और सुंगर के फल लग जाए, ऐसा कैसे हो जाए? निर्जरा फल लग जाए, मोक्ष का फल लग जाए, कैसे होगा? बोया बीज बबूल का तो बबूल के झाड़ उगने वाला है, खाए तो कस्तूरी, खाए तो लसन, आ जाए कस्तूरी के डकार, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जिसको सुम्य दर्शन ज्ञान चाहिए करना है उसे अपना को ज्ञान स्वरूप आत्मा को जानना ही होगा, और ज्ञान में ज्ञान भंडार बैठा है, ये घुसे ही नहीं है, ये भी जानना होगा, क्योंकि बाहर के पदार्थ जो भी हैं उनके प्रदेश ही भिन्न है, वे अंदर मेरे ज्ञान के घन पिंड में कैसे घुसेंगे, प्रदेश ही भिन्न है, और दूसरे के प्रदेश वाला माल मेरे प्रदेश में कैसे आए, अरे बात समझ में। इस प्रकार जबकि एक वस्तु दूसरी वस्तु, इसमें यहां देखना है, एक सत्ता की अनुपपत्ति है, एक वस्तु दूसरी वस्तु में अनुपपत्ति है, कोई अच्छा बुरा हित अहित सब समझना चाहिए। मक्खी होती है ना मक्खी, उसमें भी इतना विवेक होता है कि वो फिटकर ही नहीं बैठती, वो गाय भी बैठती है, मिश्री भी बैठती है, फिटकर दोनों रंग को सामने पास पास दोनों चीजें भी हो, बहुत मक्खियां हो तो फिट करी थी एक भी मक्खी नहीं दिखेगी, मिस्त्री के सब चिपटी चिपट जाएगी, इतना दिमाग उसमें भी है मक्खी में कि वो मेरे को क्या हितकारक है क्या अहितकारक है, क्या खाने योग्य है क्या नहीं खाने योग्य है, इतना होकर के वो खाने योग्य पे आ जाती है, नहीं खाने योग्य को छोड़ देती है। और ये मिथ्या दृष्टि जो उस मक्खी से भी गया बीता कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अनुभूति आत्मा की वो तो खाने योग्य ग्रहण करने योग्य, उसको तो वो ग्रहण नहीं करता, और जो विकारी भाव का जो मेल है मल, उसको मैं खा जाऊं मल को खाता है, माया कर बैठता है, तो ये मक्खी से भी गया रहता हुआ कि नहीं हुआ सोचो। तो वो उसको यहाँ आचार्य छुड़वा रहे, तो क्यों मल खा रहा है रात को? अरे वो तो प्रदेश ही भिन्न है, दूसरी वस्तु है, राग दूसरी वस्तु देखना जरा कठिन बात तो है, लेकिन सूक्ष्म संधि करते हुए उपयोग की सूक्ष्म संधि ऐसे अंदर में लगाओ कि उसमें
जहां सूक्ष्म संधि में उपयोग लगाओ, संधि कहां हो रही, संधि मतलब जोड़, कहां जोड़ रहा है कि ज्ञान में राग किस जगह सम्मिलित हो रहा है, किस पॉइंट पे अंदर हम अनुभव कर रहे हैं कि एक है, तो उपयोग को करो सूक्ष्म अंदर, वही अंदर इच्छा उत्पन्न होती हुई देखो कोई सी शुभ अशुभ भाव के, जैसे एक इच्छा हुई कि मंदिर जाना है मंदिर जाना है, अगर आम खाना है आम खाना, तो जैसे इच्छा हुई वो इच्छा को ही देखो, और वो इच्छा देखो कि ये इच्छा कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है अंदर, यहाँ बाहर कहीं इच्छा नहीं हो रही, बाहर का आप खोल कर देख लो कहीं इच्छा दिख रही है, अब जब इच्छा हो रही है तो अभी इसका मतलब कि अंदर ही हो रही, अब वो इच्छा को अंदर देखोगे तो अंदर देखना तो शुरू हुआ कम से कम, अंदर देखना तो शुरू हुआ, जो बाहर आके बाहर ही देखता है, इच्छाएं भी बाहर ही हो रही है ये समझता है, उसको पता ही नहीं कुछ अंदर, तो इच्छा तो अंदर हो रही है, इच्छा याद देखो मेरे को क्या काम करने की इच्छा है, अभी हल चलेंगे अपन चल घर जाना है जल्दी, इतना टाइम हो रहा है जाना है अपने को जल्दी, ऐसी भावना हुई अंदर में इच्छा, ऐसा विकल्प आ गया, सुन रहा है जिनवाण विकल्प आ गया कि घर जाना है, या घर बैठा था और विकल्प आ गया कि नहीं मंदिर जाना है, अपन तो प्रवचन नहीं छोड़ सकते हैं, हमें जिंदगी का क्या आधारशिला है, ये तो आत्मार्थ की खुराक है, ऐसे ऐसे विकल्प आए, रोटी खाए बिना जैसे दिन नहीं निकल सकता, वो खुराक बिना जीवन नहीं चलता, ऐसे ही यहाँ पर ये जिन वाणी को श्रवण किए बिना जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए ये स्वाध्याय तो आत्मार्थ की खुराक है, एक दिन नहीं चले सुनने में आए या खुद ने नहीं पढ़ा हो स्वाध्याय नहीं किया हो तो समझ लेना कि मैं मेरे उसको जो आत्मार्थी होता है उसको नींद नहीं आती, फिर वो सोचता है पढ़ता है उसके बाद सोता है, क्या सोता है वो तो विचार करता भेद ज्ञान करता करते उसको अपने आप वो दर्शनावरणी का रूप जैसे नींद आ जाती, जब आना है आ जाएगी, अपन क्या सोचे उसके लिए नींद आ जाए तो अच्छा आ जाए तो अच्छा, पागल है, कर्म का उदय आ जाए तो अच्छा ऐसा मानना चाहिए, नींद आ जाए तो अच्छा, दर्शनावरणी कर्म को उदय से नींद आती, तो हमको क्या करना है, जब तक नींद नहीं आ रही है नींद को निमंत्रण मत दो, ये आसान शरीर बिंदु पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है, पलंग भी सोया हुआ शरीर तो बिंदु पड़ा है, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा अलग बैठा हुआ, इस प्रकार से ज्ञान में भगवान अनंत उनकी खान सिद्ध भगवान यही मैं हूँ, बल बढ़ते जाएगा बलते जाएगा, महिमा आती जाएगी, इस प्रकार से सोचते सोचते और ये ऑटोमेटिक जब नींद आने आए नींद आ जाएगी, निमंत्रण मत दो, और ऐसी नींद आएगी बढ़िया समता भाव की कि वह निर्विकल्प दशा जैसे योग निद्रा होती ऐसी आएगी, थोड़ी सी देर में जो थोड़ी सी देर में रात भर में नींद आए ना उतनी शरीर के अंदर शिथिलता आ जाएगी, उतना उसका काम बन जाएगा, मतलब थकान मिट जाएगी, इसलिए ये तो बहुत चमत्कार है, निर्विकल्प हो जाओ, रात को नींद नहीं आती है, फोन सेकंड की नींद बताई अंतर्मुक्त के अंदर अंदर में नींद बहुत कम नींद आती है, वो माँ ही पिछली रहनी में कछु शयन एकाशन करण, कुछ एकाक्षण के लिए शयन करते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए शयन करते हैं, अंतिम अंतर्मुहूर्त भी सोते हैं ऐसे एक करवट से तो नींद पूरे एक अंतर्मुहूर्त थोड़ी आती आती नहीं नींद उनको, तो थोड़ी सी ऐसे झटकी से जाएगी और फिर अरे मेरा तो जीवन जा रहा है, मैं तो भगवान आत्मा उसमें आनंद करना है, उन्हें तो काय पर सोना है किसको सोना है, तो अंदर पुरुषार्थ करते रहते हैं, एक एक क्षण कीमती है, अपने दिन सो गए रात को सो गए तो बच्चा क्या, तेरी जिंदगी में बच्चा क्या है, ये रात में भी सोता है पूरा और दिन में भी सो जाता है, तो बच्ची कितने से दिन सोए सुबह शाम तो रोटी खाने पीने में चले जाते, महादुर्लभ मनुष्य भाव को इस तरह से खो देता है, इसलिए इसको हर जगह सावधान होने की जरूरत है, पर सावधानी करना काय के लिए है, काय के लिए करना है विजय भाई, सावधानी कहाँ पे है, पकड़ने के लिए व्यवहार रत्न त्रय करने के लिए कि निश्चय रत्न त्रय करने के लिए है, निश्चय रत्न त्रय को करने के लिए, करने से होगा क्या, निश्चय रत्न
जानने से होगा, करने से कुछ नहीं होगा। जानने से, तो जानने से किसको रत्नत्रय व्यवहार को जानने से व्यवहार रत्नत्रय या निश्चय रत्नत्रय को तो जानने से रत्नत्रय होगा। निश्चय को निश्चय जानने से होगा, नहीं शुद्धात्मा को जानने से होगा, तेकाली ध्रुव को जानने से होगा। उपयोग तेकाली ध्रुव में ज्ञायक में लगाएगा तो निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा जो कि उपाधि करने योग्य होने होने योग्य होने योग्य तेरवी का था ना होने योग्य होता है करने योग्य नहीं हो लिखा होने योग्य थवा योग्य था मोक्ष भी करने योग्य नहीं लिखा होने योग्य मोक्ष होने योग्य हो जाता है। तुम तो भिन्न बैठे भगवान आत्मा ध्रुव हो ध्रुव अनुभव करो अपने लक्ष्य को ध्रुव में लगाओ और लगाओ भी ये व्यवहार में से कहा जाता आप तो ध्रुव बने हुए हो भगवान ध्रुव रूप से विराजमान हो ऐसी सत्ता ही हम है पर्याय हमको देखे न देखे तो भी हम ध्रुव है ऐसे विकल्प मत करो तो भी वो ध्रुव है तो वो विकल्प मिट जाते हैं और वो निर्विकल्प दशा उस ध्रुव का अवलंबन लेकर निर्विकल्प होती है। इस प्रकार से वो ध्रुव अपन तो ध्रुव के ध्रुव बैठे हैं न तो हम विकल्प कर रहे थे और न हम निर्विकल्प को कर रहे हैं हम तो ध्रुव हैं तो पर्याय हमारी ध्रुव का अवलंबन लेती मेरा अवलंबन लेती है और इस प्रकार से वो निर्विकल्प हो जाती है। जब प्रदेश भिन्न कहते हैं तो आपने इतना समझाया उसकी उलझन होती है ये तो समझ में आता है कि जो इच्छा है या राग है या क्रोध है वो ज्ञान नहीं है और ज्ञान है वो क्रोध नहीं है इस अपेक्षा से दोनों अलग अलग है इसलिए भिन्न है भेद है इसमें। लेकिन जब कहते हैं कि दोनों के प्रदेश भिन्न है तो जब प्रदेश शब्द से सीधा ख्याल आता है जैसे द्रव्य है जैसे जीव है तो संख्या प्रदेश ही है। अभी जिस प्रदेश पर इच्छा है या राग है उसी प्रदेश में ज्ञान भी है उसी प्रदेश में द्रव्य भी है ठीक है। इस बात का अपन अलग प्रदेश जब कहते हैं तो दो द्रव्य अपेक्षा से कहा है बराबर दो द्रव्य भिन्न होते हैं ऐसा प्रदेश भिन्न से कहा गया। अब प्रदेश भिन्न अपने राग के प्रदेश भिन्न क्यों बताया जिस प्रदेश में राग है उसमें ज्ञान है उसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उन्हीं प्रदेशों में असंख्यात प्रदेश में द्रव्य है अनंत गुण है और उसी में पर्याय है निर्मल पर्याय भी उसी में और परिमलित पर्याय भी उसी में ये अपने एक वस्तु की सारी स्थिति है। अब इसके अंदर में अपने ही प्रदेशों में विकार के जो स्थान है विकार स्थान है ना स्थान समझना वो भिन्न बताए 50-55 का स्थान समझना है ये बात संयम स्थान भिन्न बताएं विकार स्थान सब भिन्न बताएं। अब ये जो भिन्न बताएं का मतलब कि जिस पॉइंट पर राग है उन असंख्यात प्रदेश में उस पे राग ही है उसमें ज्ञान नहीं ज्ञान उससे भिन्न चीज है ज्ञान उससे भिन्न चीज है तो जहां जहां राग है वहां वहां ज्ञान नहीं है उन्हीं असंख्यात प्रदेश में असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश में भी असंख्यात प्रदेश लो और वो असंख्यात प्रदेश में ऊपर ऊपर राग है और अंदर आत्मा है शुद्ध ऐसा नहीं असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश में ऊपर ऊपर राग है और उसके तलिये में ज्ञान दर्शन का पिंड भगवान आत्मा और निर्मल पर्याय है एक एक प्रदेश में जैसे कि आत्मा इतना संख्या प्रदेश उसका पेट है ना पेट इसके बीच में भी प्रदेश भरे हैं जैसे मूर्ति है तो चैतन्य मूर्ति है तो मूर्ति के बीच में पेट में भी है तो पेट के ऊपर ऊपर या पेट के ऊपर ऊपर ऐसे राग हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे वो अंदर प्रदेश पेट के अंदर भी प्रदेश है सारे उन प्रदेश में ऊपर ऊपर हर प्रदेश में ऊपर ऊपर राग है उसमें और इसके अंदर में और द्रव्य अंदर में बिल्कुल न्यारा बैठा है ऐसा फूल होता है ना फूल में भी देखो आगे उस एक ही पंखुड़ी में कितने कलर होते हैं तो ऊपर एक कलर अलग है उसमें अलग है तो क्या उसी प्रदेश में तो ऐसा उसी प्रदेश में तो है पर उसी फूल में ही उसके अंदर में भी ऊपर जो कलर है वो नीचे वाले कलर से थोड़ा अंतर है डिफरेंस है और उस कलर में ये कलर नहीं है ये कलर में वो कलर नहीं उसका क्षेत्र अलग है इसका क्षेत्र अलग है ऐसा एक एक प्रदेश में लगाना प्रदेश के अंदर प्रदेश
प्रदेश के अंदर में स्थान अलग है, प्रदेश मतलब प्रदेश का मतलब स्थान लेना, वो प्रदेश एक एक प्रदेश वाला नहीं लेना है। इसको इसको समझाने के लिए आचार्य ने बहुत बढ़िया तर्क दिया है। इसका क्या तरीका दिया है कि क्यों प्रदेश एक दूसरे से भिन्न है, जिस प्रकार वे एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रदेश भिन्न है। प्रदेश भिन्न क्यों है का कारण बता दें कि एक के साथ दूसरी को आधार आधे संबंध भी है ही नहीं। जो प्रदेश भिन्न तो वस्तु भिन्न, वस्तु भिन्न तो आधार आधे भिन्न, इसके आधार से वो नहीं, उसके आधार से वो नहीं, आधार आधे समझ में आया। आधार आधे होता है षष्ठी, षष्ठी का मतलब होता है कि एक मैं पेपर, षष्ठी मैं पेपर, समझ आ गई ना, मैं पेपर। जैसे कि यह जनवाणी कहाँ है, इसका आधार कौन है, किसके आधार पर टिकी है, कवन कहेंगे टेबल के आधार पर, तो टेबल हो गई आधार और जनवाणी क्या हो गई आधे, ये आधार हो गया आधे। अभी हाल अपन किसके आधार पर बैठे हैं, कुर्सी के, तो कुर्सी हो गई आधार, हम हो गए आधे, कुर्सी का आधार जमीन हो गई आधार, कुर्सी हो गई आधे, जो जो टिका हुआ होता है वो आधे ही कहलाता है, आधार का विषय आधे होता है। अब निश्चय से बात करो कौन किसके आधार, कौन किसे आधार जगत में, अरे कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, जो पर को आधार मानता वह मूर्ख सरदार, वह मूर्ख सरदार। कौन किसे आधार जगत में, सब अपने आधार, पर को जो आधार मानता वो मूर्ख सरदार। ये आत्मा का आधार शरीर, हम शरीर के आधार से टिके हैं क्या? अच्छा, तो उन्हें कर्म, तो कर्म के आधार से टिके हैं हम, कर्म खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे क्या? अरे सिद्ध भगवान बचेगा पूरा, मर कैसे जाए, तो कर्म के आधार से टिके हैं क्या? अच्छा, तो नहीं कर्म के आधार से नहीं टिका हूं, राग के आधार से टिका है, राग का आधार पे बैठा है क्या तू, जैसे टेबल पे ये रखा हुआ है आईपैड, तो ऐसे उसके ऊपर बैठा है क्या तू, राग पे, राग पे पूरा राग आधा बन गया, तू आधे ही बन रहा है, चले जब बात है, राग के ऊपर टिका हुआ बैठा है कितने साल हो, तो उसके आधार पे तो मैंने टिका हूं, मेरे आधार से राग टिका है, तो वो भी गलत बात है। क्योंकि दोनों क्यों आधार आधे संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधे संबंध है, कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में दृढ़ता पूर्वक रहती है, अनादि अनंत रहती है। तो अब उसको, अब जैसे मैं आत्मा हूं, अनादि अनंत हूं, तो इस शरीर ने क्या मेरे को टिकाया, शरीर नष्ट हो जाएगा तो कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, फिर भी टिका रहूंगा ना मैं शरीर, इसका मतलब कि मैं आत्मा खुद अपने में अपने बल से टिका हुआ हूं, अपने दृढ़ता रूप से अपने स्वरूप में स्थापित हूं, इसलिए मैं ही मेरा आधार हूं और मैं ही मेरा आधे, मैं मेरे में रहता हूं, मेरे अपने स्वयं के आधार से स्वयं का आधे होता है, क्योंकि वह वस्तु दृढ़ता रूप से अपने स्वरूप में टिकी हुई है। आगे बात समझ प्रदीप भाई, क्लियर है ना ये वाली बात, तो आधार आधे में अपने वही वस्तु आधार वही वस्तु आधे, क्यों, क्योंकि वह अपने स्वरूप में दृढ़ता से टिकी हुई है, दृढ़ता से टिकी मतलब अनादि अनंत वह उसमें ही रहेगी, इसके बाहर कभी भी नहीं जाएगी, तो फिर कौन दूसरा आधार देगा, खुद ही वस्तु ने खुद को आधार दे रखा है और खुद ही उस वस्तु में खुद ही उस आधार पर टिकी हुई होने से वो आधे। इस प्रकार से वो एक वस्तु स्वयं आधार आधे होती है। अब इसको लगाओ कि राग का आधार बनता है कि नहीं बनता है, तो अब जिसका आधार आधे ही नहीं बनता उसका नाम तो प्रदेश भिन्न है। जैसे कि हमने कहा कि ये टेबल पर यह साहित्य है कि नहीं है, आधार आधे है कि नहीं, तो इसने कहा कि हाँ आधार आधे है, ये इसके ऊपर ये टिका है। फिर से कहा, सिद्ध किया कि नहीं, ये वस्तु इसमें खुद खुद में है और ये टेबल टेबल में, इसलिए ये इसका आधार आधे खुद का टेबल में है,
तो पुस्तक का पुस्तक में आ जा रहा है, ये दोनों को न्यारा न्यारा कर दिया। अब इनको दोनों को न्यारा न्यारा कर देने से क्या सिद्ध हुआ? यह सिद्ध हुआ कि यह दोनों वस्तुएं पृथक पृथक, तो पृथक पृथक है तो फिर एक दूसरे की कर्ता नहीं है, तो हम कर्मों से अलग सिद्ध भगवान बैठे हुए अपने आप को अभी दिखने लग गए, अभी दिखने लगे कर्म मेरे नहीं, कर्म तो खुद मेरे, तो दूसरा द्रव्य में तो भगवान बैठा, जो बिना कर्म का कौन है? सिद्ध भगवान, तो मेरे में कर्म नहीं है ना, कर्म पुद्गल है ना, तुम पक्का मान लो ना, तो मैं सिद्ध भगवान ही बचा रहेगा ना बिना कर्म का। तो राशि बिंदु बता देंगे तो सिद्ध भगवान भीतरागी परमेश्वर बना हुआ है, बिहार वर्तमान में बिठा हुआ दिखाते हैं इसके अंदर। अब आधार आदि हो, प्रधान भिन्न हो तो क्षेत्र भिन्न कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर अब किसको जो जानन क्रिया में, बस अंतिम जानन क्रिया में कौन अभिन्न है? जानन क्रिया अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ज्ञान का घनपिंड जानने वाला, वह मेरे स्वरूप में विराजमान है, सदा तीन अनादि अनंत में ज्ञान का घनपिंड विराजमान रहता हूँ, हो गया। अब इसके अंदर जानने के अंदर में कौन प्रतिष्ठित है? तो कि ज्ञान में क्रोधाधिक, ज्ञान में तो ज्ञान ज्ञाय प्रतिष्ठित है, जानन क्रिया ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है, दर्पण दर्पण में है, हाथी दर्पण में नहीं है, बस इतनी सी बात ही है। ज्ञान में अपना ज्ञान ही बैठा है, गे अंदर ज्ञान में नहीं, राग भी ज्ञान में घुसा ही नहीं है, ये ज्ञान को जो ज्ञान हुआ राग का ज्ञान, उसमें आधार कौन बना? ज्ञान खुद ही बना, राग आधार ने राग देखा, दर्पण में हाथी दिखा, दर्पण में हाथी दिखा, दर्पण की तरफ देखा, दर्पण में जो हाथी दिख रहा है उस हाथी को दिखाने का आधार कौन है? वो दर्पण खुद ही है, बाहर का हाथी नहीं दिखा रहा, उस समय वो ऐसे ही पर्याय उसके दर्पण में आने थी, स्वतंत्र है वो, इसलिए उसको हाथी का, हाथी का आकार भी दिखना है तो भी वो दर्पण स्वयं अपने आधार से देखता है, दर्पण ही स्वयं दर्पण में है, और इस तरह से मैं अपने उपयोग, अपना उपयोग में है, मैंने मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ज्ञान उपयोग में है, इस ज्ञान उपयोग में जो तुम्हें दूसरी दूसरी चीजें दिख रही है, शरीर दिख रहा है, कुटुंब परिवार दिख रहा है, ग्राहक दिख रहे, दुकान दिख रही, ये ज्ञान में कुछ नहीं दिख रही है, ज्ञान उसके आकार रूप ज्ञान स्वयं अंदर से प्रकट हुआ है, और उस ज्ञान में उपयोग में वो भगवान आत्मा ही विराजमान बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हारे को तुम ही दिख रहे हो। इसको कहते हैं जानने वाले को जानने वाला ही जानने में आ रहा है, पर ये जानने वाला ये नहीं जान रहा है कि जानने वाला ही जानने में आ रहा है। इस प्रकार से अपनी बात ही अभी सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के कार्यक्रम है, और अपने प्रदीप भाई यहाँ पर आज के प्रकरण की संक्षिप्त में समरी लेंगे, कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे जैसे उनकी इच्छा वो करें। तो सभी को सादर से जय हिंद, जय हिंद, सभा का तरीका से शनिवार या गोपुर बजे या रविवार गोपुर बजे या तो शनिवार गोपुर बजे या रविवार सवार दो स्वाध्याय से पसे लंच અને પછી પાછું બે કલાક આપે એ કરવું છે સર, રવિવાર સવાર 7 વાગે તો ખરું જ ના આ બોલ બરાબર, અને પછી બે લંચ પડશે પછી બે કલાક જે ત્યારે કરવું છે તો છે, અને પછી 22મી અહીંયા લઈ જાય 22મી પાછું આલો ના સાથે મે વાત કરી સવારે એ રવિવાર વાત કરી હા, અને બસ શનિવારે બપોર પછી લંચ પછી નો ટાઈમ નું થશે લાઈક 12 વાગે પછી तो सभी को साधु जय जिनेन्द्र, और सर आपकी यह धर्म प्रभावना को प्रणाम, और यह जिनवाणी प्रसाद को भी नतमस्तक लेते हैं। बहुत कल्याणकारी ये गाथा चल रही है 182 183 182। तो ये गाथा का तो भाव वाचना में बिठाना है, तो पहले तो क्या बात आई कि यहाँ तो भेद ज्ञान की बात करते हैं कि हमें भेद ज्ञान करना है, तो कैसे भेद ज्ञान करना है कि मैं
शरीर से भिन्न हूँ, कर्म से भिन्न हूँ, राग से भिन्न हूँ, पर मैं एक चीज मात्र हूँ। समझना, हम वेद ज्ञान की जब प्ररूपना की बात करते हैं तो प्रश्न तो यही आता है कि हम सभी लोग भेद ज्ञान में तो बहुत प्रवीण है। क्यों प्रवीण है? कि हम सुबह से उठ के रात तक हम देखे तो मुझे ब्लू शर्ट पहननी है, मैंने अलमारी खोली, ब्लू शर्ट ले लिया, पहन लिया, जब पहना तभी मालूम था यही ब्लू शर्ट है, सारे दिन यही मालूम है कि यही ब्लू शर्ट है, जब मैंने वॉशिंग में दिया तो भी मालूम है कि यह ब्लू शर्ट है। तो हम सभी चीज में भेद ज्ञान में तो प्रवीण है, कौन सा टीवी बाय करना उसमें भी प्रवीण है, किसके साथ दोस्ती करनी, किससे नहीं दोस्ती करनी। तो समस्या जीव को यह आती है कि जब जीव से अजीव का भेद ज्ञान करते हैं तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये अरूपी पदार्थ से हम कैसे भेद ज्ञान करें। तो शिष्य प्रश्न कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि मैं मेरे आत्मा को कैसे समझूं, मैं आत्मा को समझ के मैं संवर कैसे प्रकट करूं। तो यहाँ भगवान उसे कहते हैं कि देख, कि तुझे तेरा आत्मा समझना है तो पहले तुझे ये आदम के अभ्यास से समझना है, युक्ति के अवलंबन से समझना है, पर अपर गुरु के उपदेश से समझना है, और फिर तेरे निज आत्मा का अनुभव करने करना है। तो यह अनुभूति की प्ररूपणा की ये चर्चा चल रही है कितने सारे प्रवचन से, और उसके अंदर ये मुख्य बात आई कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। तो यहाँ क्या कहा, सबने एक एग्जाम्पल कह दिया कि जैसे अंगूठी के अंदर सोना ही पसरा हुआ है, उसी तरह जब हम उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, यहाँ दो वस्तु समझनी है, एक तो समझनी है पर्याय और दूसरी समझनी है द्रव्य। सो पर्याय क्या है कि जैसे अंगूठी हुई पर्याय और उसके अंदर कौन पसरा है, सोना पसरा है, उसी तरह ये मेरा उपयोग के ज्ञान दर्शन की जो मेरी पर्याय है उसके अंदर कौन बैठा है, मेरा द्रव्य ही बैठा है, ये द्रव्य। तो इसी तरह से हमें समझना है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। यहाँ तक तो ये बात चली, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल भी आए कि अगर चांदनी छत पर छाई तो ये चांदनी छत चांदनी की नहीं होगी। उसी तरह हम जब किसी को जानते हैं वो हमारे ज्ञान में जगते ही नहीं, हम उसके हम उससे गे लुप्त नहीं हो जाते, वो गे अपना ही हो जाता है। तो आज क्या मुख्य बात चली, आज तो यही बात चली कि जो दो द्रव्य के अंदर जो भिन्नता है, ये भिन्नता क्यों है, क्योंकि उसके प्रदेश भिन्न है, जीव के प्रदेश भिन्न है, प्रदेश के पुत्र के प्रदेश भिन्न है। और सर ने यहाँ प्लॉक का एग्जाम्पल दिया कि हम किसी के प्लॉक में अपना प्लॉक नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से तो अपना प्लॉक क्या है, अपना क्षेत्र क्या है, तो सर ने बताया उसको समझने के लिए हमें द्रव्य को पर्याय से समझना है कि मेरा द्रव्य, मेरा गुण, मेरा पर्याय भिन्न है अन्य द्रव्य का गुण पर्याय, अन्य द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न है। इसलिए पृथकता से, प्रदेश की पृथकता से हमें यह निर्णय करना है। सो ऐसी भिन्नता हमें बातचीत हो गई तो हमारा कल्याण हो गया, हमारा संवर प्रकट हो गया। ये संवर ही संवर दर्शन है। तो ये संवर दर्शन की प्ररूपणा की बात हुई तो उसके अंदर बहुत सारे यहाँ तो मोती दिख रहे हैं, तो यहाँ समय की मर्यादा है, तो जीव और पुद्गल ये भिन्न है ऐसा नहीं समझना है कि मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे से पुद्गल भिन्न है, इस तरह से हमें स्व को स्व और पर को पर जानना है। तो पांचवी तरफ चलो, तो फिर कहा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके अंदर ही इसके नास्ती अपनी सर्वो की संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हरता ही नहीं। और सभी ये विद्यांचल पर्वत और संयाचल पर्वत का भी एग्जाम्पल किया, ये दोनों पर्वत भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न दिशा में है, और भी एक की उपस्थिति दूसरी जगह है ही नहीं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो इसी भिन्नता को हम कैसे भाषित करें, तो यहाँ ये उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आती है, यहाँ से यहाँ हमारी भिन्नता की समझने की शुरुआत होती है। फिर के आत्मा के प्रदेश के अंदर शरीर नहीं है, राग नहीं है, एक समय की पर्याय भी नहीं है, शरीर नहीं है, राग नहीं है, और एक समय की पर्याय के लिए उपयोग में उपयोग
उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं करोगे आदि है, ऐसी बात चली। तो फिर देखिए क्या बात हुई। हाँ, फिर ये प्रॉब्लम हुई, ये दर्पण का एग्जाम्पल से एक बात बहुत चिंतित कर दी कि हमें किस तरह से वस्तु का यथार्थ निर्णय करना है। तो यह एग्जाम्पल दिया कि जहां कोई भी गेय जलते हैं, जैसे दर्पण में हाथी जल का, तो जो दर्पण में हाथी जल का, तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? अगर दर्पण में हाथी दिखाई देता है तो ये तो नित्य मान्यता है, क्योंकि ये दर्पण का हाथी में खून हड्डी तो है नहीं। सो खून हड्डी वाला हाथी तो बाहर में है, तो अंदर में जो दिखा, तो वो जो दिखा, जो प्रतिबिंब दिखा, वो प्रतिबिंब हाथी नहीं है। अगर वो हाथी होता तो उसके हम कान पकड़ सकते हैं, तो हम कान उसका नहीं पकड़ सकते हैं। सो वही हुई दर्पण की ही पर्याय। तो ये दर्पण की ही पर्याय, वो दर्पण मेरी है। उसी तरह हमारे ज्ञान में जो भी कुछ जलता है, ये सभी के मात्र जलता है, हम उसके मात्र जाननहार है, उसके कारण करता रहता है ही नहीं। सो उसी तरह से हमें प्रोचना चलती है कि मेरी मर्यादा मेरे द्रव्यपूर्ण पर्याय के आगे है ही नहीं। जो भी कुछ दिखता है उसके अंदर, सबने बहुत पहले भी एग्जाम्पल दिए थे कि अगर एक आप पर्यटन में गए, गुफा देखने को गए, और यहाँ गाइड ने लाइट जलाई, तो लाइट जलाई तो सारे लोग उत्साहित हो गए, अरे कितनी सुंदर प्रतिमा है। लेकिन ये सब ये भूल गए हैं कि ये तो जो दीपक था उसके लाइट को ही प्रकाशित कर रहा है। लेकिन ये गेय लुप्त जीव उसमें नहीं समझता है, वो गेय में लुप्त हो जाता है और अपना जो स्वरूप है, जो जाननहार स्वरूप है, उसके नहीं समझता है। तो यहाँ कहते हैं तो उसे समझो, कैसे समझो, क्योंकि उसके प्रवेश भिन्न है। दोनों द्रव्य के, कोई भी दो द्रव्य के प्रवेश भिन्न है। ये प्रवेश भिन्नता की बात हुई, पर ये जीव की बात हुई कि जीव आनंद है, पुत्र अनंत आनंद है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल लोक प्रमाण असंख्या है। तो फिर प्रदेश का भी स्वरूप समझाया कि जैसे दूध लीटर में नापा जाता है, इसी तरह से ये प्रदेश ये प्रदेश हुआ कि एक परमाणु जितनी जगह में उपस्थित हो उसे यहाँ प्रदेश कहा। तो यहाँ ये इस तरह से प्रदेश की बात हुई। हाँ, तो सिर्फ प्रदेश का हेतु भी दिया कि प्रदेश का हेतु समझने के लिए हमें द्रव्य को पर्याय समझना है, और कोई भी जीव द्रव्य अपने प्रदेश से बाहर जाता ही नहीं, अपनी सत्ता अपने द्रव्य को पर्याय में नहीं है। ऐसा ही चाहिए द्रव्य में समझना कि दो द्रव्य को न्यारा न्यारा बांटना, न्यारा न्यारा करना, वही हमारा लक्ष्य है। सो यही कौन हमें समझाती है, हमें जीववाणी समझाती है। तो हमें जीववाणी का शरण लेना है। तो सर ने यह कहा केवल केवल शरण, तो उसका अर्थ यही है कि ये टाइम अभी है, अभी शरण ले लो। अगर अभी शरण दिया तो यहाँ समाधि वर्ण हो सकता है। तो यहाँ प्रदेश भिन्नता से यहाँ दो द्रव्य की भिन्नता की परूपना होनी, और बहुत बात चली है। एक प्रवचन में कितना कितनी बात चली है, और सर ये भी कहा कि यहाँ व्यवहार और निश्चय का भी सोच सुन गया कि आत्मा, हाँ, आत्मा व्यवहार रत्न त्रय नहीं कर सकता है। मैं राग हूं, ये बात बताई कहीं। यहाँ राग को उपयोग से बाहर बता रहे हैं कि व्यवहार सो व्यवहार में से लाभ बुद्धि, कार्य बुद्धि और एकत्व बुद्धि को यहाँ खत्म करने की बात हुई। तो इसी तरह से यहाँ संवर प्रकट होता है और समय दर्शन प्रकट होता है, और यहाँ अनंत अनुबंधित आशो भी यहाँ रुक हो गया। लेकिन और उसके लिए सब ने और एग्जाम्पल दिए, या आम का एग्जाम्पल दिया कि आम के अंदर केरी में वो छिलका है, गुठला है और रस है, और उसके अंदर के जो खराब भाव है उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। उसी तरह हमें राग का स्वरूप समझना है कि राग का स्वरूप है तो आत्मा के प्रदेश में, तो आत्मा के प्रदेश में किस तरह से सर ने बताया कि उसके हर एक प्रदेश के ऊपर ऊपर है,
जैसे शरीर के ऊपर घोड़ा हुआ है, हुआ तो शरीर नहीं लेकिन वो शरीर का ही विकार है, वो शरीर के प्रदेश में ही है लेकिन उसे हम भिन्न जान के उसको निकाल देते हैं, उसी तरह से हमें ये आपको भी ऐसा समझना है। फिर सभी ये भी बात निकाली कि ये समय कृष्ण जिनको तो यहाँ राग नहीं है फिर भी वो राग करता हुआ दिखाई देता है, तो कहा वो पूर्वोक्त कर्मों का जो विकारों में जो कर्म बांधता था उसका उदय है, वो उदय के अनुरूप उसके राग होता हुआ दिखता है लेकिन उसका कोई नवीन राग नहीं बनता क्योंकि वो राग सपने को भी जान लिया है। सो इस तरह से बहुत बात चली है, जो समझा वो सुना दिया, लेकिन सर आपकी ये उत्कृष्ट प्रभावना, ये धर्म प्रभावना को हम सभी लाभ ले रहे हैं, तो सही ये जिनवाणी माता को प्रणाम और आपके धर्म प्रभावना को प्रणाम और आपका विलास भाई जी जिनवाणी स्तुति। सुबह 9:30 से 10:30 मेरे घर पे प्रवचन है, 9:30 से 10:30 और रात को 8 से 9।